मनोज जी भी लगातार लाइव बने हुए, राजेश शुक्ला उनके साथ जो अभी भी बीजेपी में शामिल हुए उनके साथ मौजूद हैं। जी मनोज जी, बिल्कुल राजेंद्र जी, अब तो भारतीय जनता पार्टी में आप है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से आप हमेशा प्रभावित रहे, अब क्या करना चाहेंगे? जी नहीं, मैंने बताया ना कि बुंदेलखंड से एक ऐसे क्षेत्र से चुन के आए हैं जहां सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं और बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। जनता ने भारी बहुमत से 37,000 वोट से जिताकर हमें भेजा था। हमने राजसभा समय मतदान भाजपा के पक्ष में दिया और हमने उस समय भी कहा था कि क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि जनता ने हमें चुन के भेजा। आदमी आरोप लगाया कि इस पार्टी से उस पार्टी, जब जनता ने जिस विश्वास पे अकेला मध्य प्रदेश में भेजा तो हमें जहां विकास दिखता था हम वहां आज हाजिर हो गए। तो विकास के साथ आप जुड़े।